क्या बात कर रहे हो, उड़ उड़ के काम करेगी क्या खेत में? बिल्कुल उड़ उड़ के काम करेगी। तो छोटी सी मशीन ने इतना तहलका मचा करके दोस्तों रख दिया। ये देखो दोस्तों मिट्टी मिट्टी का बवंडर उठा दिया मशीन ने, ये सूंघ के ही चलेगी। क्या बात कर रहे हो, ये एक घंटे में सिर्फ ये लगाया क्लच तो यहाँ पे लगा ही कोई नहीं। इनकी जो कीमत रहने वाली है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, पंजाब के अहमदगढ़ में हूँ एस राजा भाई के पास में। इन्होंने ना कसम खा रखी है कि किसानों को परेशान नहीं होने देंगे। ये देख लो क्या लॉन्च कर दिया, क्या ले आए आपके लिए, नाम दे दिया दोस्तों बाहुबली। तो ये बाहुबली कैसे है, क्या चीजें हैं, किस तरीके से बाहुबली रहेगा, सारा कुछ जान लेते हैं। सबसे पहले परिचय करवाया था। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। किसानों को कसम खा ली, क्या परेशान नहीं होने दोगे? अरे भाई, अगर किसान ही परेशान हो गया तो एस राजा भाई का और राजा एंटरप्राइजेस कंपनी का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये क्या चीज बना दी, ये क्या चीज ले आया किसानों के लिए? ये बना आज तक ऐसा कोई प्रोडक्ट देखा ही नहीं, मैंने भी नहीं देखा, किसानों ने भी नहीं देखा। ये किसानों के लिए बना दी है उड़ने वाली बाहुबली, बुलंद किसान बाहुबली। क्या बात कर रहे हो, उड़ उड़ के काम करेगी क्या खेत में? बिल्कुल उड़ उड़ के काम करेगी। आने वाला समय है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहाँ पे लठ जैसी जमीनें हैं। बिल्कुल पूरी लठ जैसी जमीनें। बिल्कुल गन्ने की खेती करता है, गन्ने की खेती करता है और पूरे देश में अब सब्जियों की खेती हो रही है और अलग अलग प्रकार की लाइनदार फसलों की खेती हो रही है। बिल्कुल। तो उन खेती फसलों में मिट्टी लगाना है, लड़ाई गुड़ाई करना है, बेड बनाने हैं, हर तरीके के काम करने हैं। तो ये बाहुबली बुलंद 9.5 HP पेट्रोल की मशीन ऐसा काम करके दिखाएगी, मैंने पहले बोला उड़ने वाली मशीन, ये उड़ के ही काम करके दिखाएगी। यानी कि एक मशीन और सारा काम कर देगी। बिल्कुल सारा काम कर देगी। जब शुरुआत से शुरुआत कर लेते हैं इसकी, आगे मैं देख रहा हूँ वेट आपने लगा दिया, ट्रैक्टर में वेट नहीं दे रही कंपनी आजकल। अरे भाई, ट्रैक्टर में नहीं दे रही लेकिन इस बाहुबली में दे रहे हैं, क्योंकि हमने किसान को इसके साथ ऐसे ऐसे काम करवाने हैं कि उसको और किसी की जरूरत ही ना पड़े। बिल्कुल ब्लेड देख रहा हूँ मैं, ब्लेड बिल्कुल अलग तरीके के हैं। इसके अंदर क्या अलग कर दिया आपने ब्लेड? इसमें बिल्कुल हर चीज अलग कर दिया, इसमें इंजन अलग कर दिया है। ये जो इंजन बनाया है 9.5 HP का, इटालियन टेक्नोलॉजी का, बिल्कुल नई तकनीक का इंजन बना दिया है। इसमें हमने जो ये टैंक दे दिया है ये भी 5 लीटर का दे दिया है, आमतौर पे 3.5 लीटर के रहते थे। और यहाँ पे जो मैंने कार्बोरेटर दिया है, ये जैपनी सीरीज का कार्बोरेटर दिया है। अब ये कार्बोरेटर सारी जिंदगी ना ओवरफ्लो होगा, ना इसमें कचरा आएगा, ना ही इसकी अब हवा निकालने की जरूरत है, क्योंकि आप इसे सालों साल चलेगी। अगर तेल खत्म भी हो जाता है तो कार्बोरेटर में से हवा निकालने की जरूरत नहीं है। भाई ये इसके अंदर पंख से क्या लगा दिए, उड़ेगा क्या यहाँ से? अरे 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 उड़ेगा नहीं मेरे भाई, बाहुबली मशीन है, जब खेत में चलेगी तो पता चलेगा कि ये उड़ के ही काम करती है, क्योंकि ये पेट्रोल खाएगी नहीं। पेट्रोल खाएगी नहीं, आखिरकार कितनी खपत कर लेगी जब आपने कह दिया खाएगी ही नहीं? ऐसा तो है नहीं, सूंघ के चलेगी। सूंघ के ही चलेगी। क्या बात कर रहे हो, ये एक घंटे में सिर्फ 650 ग्राम तेल लेगी। 9.5 HP की बाहुबली बैक रोटरी है, पक्की मिट्टी है पक्की, यहाँ चला के देखेंगे। बिल्कुल यहीं पे चलाएंगे, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लठ जैसी जमीने हैं। बिल्कुल। तो किसान भी वहाँ लठ जैसे हैं, तो गन्ने जो होता है वो भी लठ जैसा ही होता है। तो लठ जैसी जमीन, लठ जैसा खेत और लठ जैसा गन्ना, और उसमें इसी प्रकार की रोटरी की जरूरत थी, जो कि मैं किसान भाई के लिए अब लेके आया हूँ। बिना बातचीत के पहले लाइव किसानों को काम दिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल आपको इसी जमीन में लाइव काम दिखाऊंगा। बिल्कुल चलवा दो आप इसमें पहले किसानों को दिखाते हैं। चलाओ इसे। ये है बुलंद किसान बाहुबली, पूरे पक्के खेत में इतने इतने बड़े घास में सूखी लकड़ी को काटता हुआ जा रहा है। ये है बुलंद किसान बाहुबली। राजा भाई, ये तो इतना हवाई जहाज की तरह मिट्टी उड़ा दी, अरे कमाल है। अरे मेरे भाई, इसमें मशीन के ब्लेड ऐसे लगा दिया, ताकत ऐसी भर दी है, पीछे पाटा ऐसा लगा दिया है, एक ही बार में ये जमीन को अंदर से भुरभुरी कर देगा, बिल्कुल प्लेन कर देगा, चूरा कर देगा और समतल भी करता चला जाएगा। पक्की मिट्टी को इसने भुरता सा बना दिया। इंजन कितने HP का लगा दिया है? इसमें 9.5 HP का इटालियन टर्बो का सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इंजन लगा हुआ है। ये इंजन रॉकेट का लगा दिया क्या? लोड नहीं ले रहा? अरे लोड कैसे लेगा, क्योंकि इसमें तकनीक ही ऐसी इस्तेमाल की है। तो ये देख लो कमाल कर दिया, धमाल मचा दिया। ये देखो मिट्टी, देखो पक्की मिट्टी है पक्के खेत में ना, ये देखो मिट्टी एक ही फेर में, ये देखो क्या हाल बना दिया इसने। और गहराई देख लो, गहराई देखो यहाँ कितनी गहराई में देखो, एक सिंगल फेरी की गहराई चेक कर लो। ये देखो कमाल कर दिया मशीन है, बाकी में लाजवाब है, दिखने में छोटी है लेकिन इंजन या पावर इसकी अद्भुत है। बिल्कुल ऐसे राजा भाई, इसके खासियत तो बता दो थोड़ी बहुत, रोक तो लो मशीन।
क्या कितने ब्लेड है इसके अंदर? अरे इसके अंदर ब्लेड मात्र 24 है, लेकिन कमाल देखो रूटरी का, 24 ब्लेड के अंदर ये धमाल, लाख जैसी जमीन को एक ही बार में फाड़े जा रही है। ब्लेड की क्वालिटी क्या है? क्वालिटी ऐसी बना दिया 10 साल ब्लेड खराब ही नहीं होगा। दोस्तों ये देख लो, 10 साल तक ब्लेड कहीं नहीं जाएगा, 24 ब्लेड है मात्र। और ये देखो मिट्टी को खाएगी बिल्कुल इस तरीके से, ये देखो फ्रंट में, ये देखो। और इंजन की बात कर लूँ ना, लोड लेने का तो नाम ही नहीं है। ये क्या लगा यार भाई, ये काम है एयर क्लीनर स्पेशल लगाया है, इंजन लोड लेगा नहीं क्योंकि तकनीक ही इसमें ऐसी बरती है। राजा भाई मशीन को रुकवा लो, गेयर को बता दो कितने रुको, लीवर ही लीवर लगा दिए इतने सारे, इसके अंदर किस किस चीज के लीवर है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा जी, इस मशीन को चलाने के लिए जी किसी भी अब क्लच की जरूरत नहीं है। क्या बात कर रहे हो, अब गेयर डालने हैं, गेयर डालने के लिए किसी क्लच की जरूरत नहीं है, कोई क्लच में दबाना ही नहीं है जी। जो आप ये देख रहे हैं भी, ये लगा है, ये लगा है, ये लगा है, क्लच तो यहाँ पे लगा ही कोई नहीं है, इतने लीवर है, क्लच है ही नहीं इनमें, क्लच लगा ही नहीं है, चलेगी कैसे भाई साहब? सबसे पहले जो ये दो लीवर लगे हैं जी, ये यहाँ के डिफरेंशियल हैं जी, ये एक डिफरेंशियल यहाँ पे लगा है जी, और दूसरा डिफरेंशियल यहाँ पे लगा है जी। ये डिफरेंशियल का काम क्या है, हमने इसको मशीन को घुमाना है जी, तो किसान का जोर तो लगना नहीं चाहिए, बिल्कुल दाएं घुमाना है तो हम बाया डिफरेंशियल दबाएंगे, बाएं घुमाना है तो हम दाया डिफरेंशियल दबा देंगे जी, जिससे कि मशीन का एक चक्का जाम हो जाएगा और दूसरा अपने आप घूम जाएगा, तो इससे किसान की बाहों का ना जोर लगेगा और ना ही मशीन का जोर लगेगा जी। उसके बाद जो हमने ये लगाया है जी, इसको 360 डिग्री पे घुमाने के लिए लगाया है, किसी भी तरफ इसको घुमा सकते हैं जी, कैसे ठीक हो गया जी, जी। उसके बाद मशीन का हमने गियर डालना है जी, कोई क्लच नहीं लगाना। सबसे पहले मैं बता दूं जी, इस मशीन में गियर हमने तीन लगाए हैं अलग अलग प्रकार के जी। सबसे पहला जो गियर लगाया है वो आगे इंजन को चलाने वाला जी, दूसरा जो गियर है टायरों को चलाने वाला जी, तीसरा जो गियर है वो पीछे की रूटरी चलाने के लिए। जो इसके गियर है भाई साहब, ये क्या है, ये हर जगह एस राजा, ये क्या स्टिकर लगा दिए क्या इसके ऊपर? अरे मेरे भाई, जब कंपनी के अंदर से बनेगी तो एस राजा ही लिख के आएगा, स्टिकर थोड़ी लगाऊंगा, मेरा स्टिकर नहीं लगा होगा कहीं पे, इसको जितना मर्जी उखाड़ लीजिए ऐसे ही रहेगा, एम्बोस है ये चीज देख लो, तो सारा कुछ कंपनी के अंदर ही बनेगा क्या? बिल्कुल। और इसमें जो आप गियर लगा दिए हैं, इसको इंजन को आगे चलने के लिए इसके हाई लो कर दिए, जैसे ट्रैक्टर के हाई लो होते हैं जी, और उसी स्पीड से इसके चक्के घूमते हैं जी। मैंने बोला जो आगे का गियर है वो अलग है, अब आगे या पीछे का गियर जी, पीछे हमने इसके चार गियर अलग से दे दिए हैं, पीछे भी चार गियर अलग, पीछे चार रूटरी के चार गियर अलग से हैं जी। सबसे पहले इसका जो न्यूट्रल आ गया जी, इसको हम ऐसे करेंगे तो ये सीधे चक्रों में चलेगी जी। अब किसान ने मिट्टी लगानी है, लख जैसी जमीने हैं बिल्कुल, वो मिट्टी भी बहुत चौड़ी लगानी है और ऊंची लगानी है बिल्कुल, तो इसके यहाँ से पीछे उल्टे घूमने वाले ये पहला गियर आ गया और उल्टे घूमने वाला ये दूसरा गियर आ गया, एक न्यूट्रल, एक सीधे वाला और दो उल्टे वाले, यहाँ चार गियर हो गए और हाई लो गियर हो गया, और उसके बाद यहाँ पे ये रिवर्स वाला गियर हो गया। टोटल मिला ले तो यहाँ पे 7 गियर दिए हैं मैंने, इंजन के अलग से और रोटरी के अलग से। यानी कि जैसे ट्रैक्टर में गियर अलग लगाते हैं आगे, पीटीओ का गियर रोटरवेटर का अलग रहता है, वैसे लगा दिया। बिल्कुल बिल्कुल, मन चाहिए स्पीड, बिल्कुल मन चाहिए स्पीड, आगे की स्पीड अलग और पीछे की पीटीओ की स्पीड बिल्कुल अलग कर दी। दोस्तों ये देखो, ये लठ जैसी जमीन में काम करने का ना इसका यही एक कारण है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं कि हवा में बातें बता दी गई हूँ आपको, और जैसे बता रहे थे ना उड़ उड़ के काम करने वाला, तो उसी तरीके से काम कर रही है मशीन, बिल्कुल पक्के खेत में ना एक ही बार में पूरा, ये देखो मिट्टी का क्या बना दिया, भरता सा बना दिया इसने, ये देखो एक ही बार में, तो इस तरीके की क्वालिटी इसकी दी है। ऐसे राजा भाई सारी लगा दी गई इसमें, मैंने जितनी आज तक की थी पूरा पूरे 2 साल हो गए इस रूटरी को बनाते हुए जी। इस रूटरी को बनाने के लिए मैंने अपनी जिंदगी का एक ऐसा पार्ट लगाया है जी, ताकि किसान भाइयों के घर पे सही कीमत पे सही चीज जा सके जी, जिससे कि किसान भाई की हर चीज काम करने की आसान हो जाए, पैसे की बचत हो जाए जी, और उसके घर में खुशहाली हो, खुशियां हो, बच्चे पढ़े, अच्छा काम हो रहे और किसान खुशहाल रहे, यही राजा एंटरप्राइजेज एस राजा भाई की बस एक ही तमन्ना है। मैं ये कह दूं कि जो निचोड़ था ना वो इसके अंदर डाल दिया, बिल्कुल। एस राजा भाई जुताई की तो बात कर ली, देख भी ली, लेकिन शुरुआत में बात करी थी कि इसके अलावा भी बहुत सारे काम करेगी ये, तो क्या बेड भी बनाएगी मशीन? जे किसान के लाइनदार फसलों में मिट्टी भी लगाएगी, गन्ने को मिट्टी भी चढ़ाएगी, सब्जियों में मिट्टी भी चढ़ाएगी, कपास नरमे में भी मिट्टी चढ़ाएगी और उसके बाद बेड भी बनाएगी, इसे किसी अटैचमेंट की जरूरत नहीं, इसी रूटरी से आपको सारे काम करके दिखा दूंगा। भाई साहब जुताई तो आपने दिखा दी, बेड भी दिखाई दो, अरे आप तो सारा काम ही करके दिखा दो, खेत में आई गए तो सारा ही करके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
इसी का नाम है बुलंद किसान, जो एक ही बार में काम करती है, मिट्टी को ऊपर तक फेंक देती है। मिट्टी को सही तरीके से दोनों तरफ लगाना, दूर जाने सीख लगाना और ऊंचा मिट्टी का पहाड़ बनाना, गन्ने की जड़ों तक ऊपर तक मिट्टी चढ़े, सब्जियों की जड़ों तक ऊपर तक मिट्टी चढ़े, यही काम होता है मशीन का। खूब काम, ये बाहुबली रूटी बेखूब कर रही है। अब जब तीनों क्यारी पूरी प्रॉपर बनेगी तो आपको दिखाऊंगा किस तरीके का दृश्य सामने आता है। मशीन चल रही है, दोनों तरफ मिट्टी चल रही है और सेंटर में कितनी चौड़ा बेड बन गया है। इस तरीके से किसान इससे भी बेहतर बना सकता है, क्योंकि किसान को प्रैक्टिस है काम करने की। राजा भाई मशीनें आपकी देखनी जबरदस्त है, काम भी किसान भाइयों ने लाइव देख लिया। ऐसा मत कर देना कि किसान भाइयों भाई खरीद ही ना पाए कि कीमत बहुत ज्यादा कर दी गई हो कहीं। अरे भाई मशीनें बनाता हूँ, किसानों की जेब नहीं काटता हूँ जी। जिस भाव में जो मैं मशीन देने वाला हूँ, पूरे देश के किसान खुश हो जाएंगे कि इस भाव में ऐसी रोटरी किसानों को देने जा रहा हूँ जो आपने भी नहीं सोचा होगा और किसानों ने भी नहीं सोचा होगा। ऐसी कीमत रख क्या दी जो किसान भाई भी खुश होने वाले हैं मेरे, और जो वीडियो देख रहा है हर भाई किसान खुश होगा मेरा। जो ये मशीन रहेगी 9.5 HP टर्बो इटालियन जैपनीज तरीके से बना हुआ इंजन जी, और आगे के लिए इसके 2 गियर और पीछे के लिए 1 गियर, जो आगे का गियर है रोटरी के पीछे के एक न्यूट्रल, 2 उल्टे ब्लेड चलने वाला और 1 सीधे ब्लेड चलने वाला अलग सा इसका गियर। ये बुलंद किसान बाहुबली उड़ने वाली मशीन की जो कीमत रहने वाली है मात्र 95,000 रुपया रहने वाली है। झूठ तो नहीं बोल रहे हैं राजा भाई, झूठ तो नहीं बोल रहे, सिर्फ 95,000 की मशीनें बिक रही हैं, वो भी इतना नहीं काम कर रही। जो भी बिक रही है मुझे नहीं पता क्या बिक रहा है। किसानों के लिए 2 साल तपस्या की है इन मशीनों के लिए, तो ये इस तरीके से मशीनें बनाई है ताकि किसान की जेब ना कटे, किसान बिल्कुल सही रहे और उसकी अर्थव्यवस्था चरमराए ना। इसलिए इसकी जो कीमत रहने वाली है 9.5 HP मशीन की सिर्फ 95,000 रुपया ही रहने वाली है। घर पर बैठे हुए किसान कैसे खरीद सकता है, कितना कीमत उसको देना पड़ेगा? कोई भी किसान भाई मशीन खरीदना चाह रहा है तो वीडियो पे नंबर दे रहे हैं, हमें नॉर्मल कॉल करें या व्हाट्सएप पे मैसेज करें, पूरी जानकारी इन मशीनों की दे दी जाएगी। सिर्फ 5,000 रुपये पहले कंपनी के अकाउंट में गूगल पे फोन पे में उन्होंने लगाना है और अपना पूरा पता इंग्लिश में लिख के या आधार कार्ड का आगे का पीछे का हमें उन्होंने अपना आधार कार्ड भेज देना। उसके बाद मशीन बाहुबली बुलंद किसान पेटी में पैक होके किसान भाई के जिला में पहुंच जाएगी। बाकी का पैसा तब उन्होंने उसी गूगल पे फोन पे अकाउंट लगाना है। उसके बाद मशीन सीधा निकल के किसान भाई के घर पे चली जाएगी और हम डिलीवरी का भी किसी से कोई पैसा नहीं लेंगे पूरे देश में, मात्र इसी कीमत के अंदर घर पहुंचने वाली है, कोई डिलीवरी का चार्ज नहीं है। बिल्कुल ऐसा राजा भाई, एक सवाल और रहता है किसानों के दिमाग में किसी भी मशीन को खरीदने से पहले कि खरीद तो मैं लूंगा लेकिन कल को कंपनी ऐसा ना हो कि हाथ खड़े कर दे सर्विस के टाइम पे। बिल्कुल सही सवाल है आपका चीमा जी, कल को इस मशीन का कुछ भी टूटता है, फूटता है या खराब होता है तो उसकी व्हाट्सएप पे हमें फोटो, पुर्जे की फोटो और बिल की फोटो भेज दे, तुरंत वो सामान निकल के किसान भाई के घर चला जाएगा, उसका भी पैसा नहीं लिया जाएगा। 2 साल 3 साल बाद 4 साल के बाद अगर किसी भी किसान भाई को इस पार्ट्स की जरूरत पड़ती है इन मशीनों की, वो पार्ट्स भी बहुत सही कीमत पे उपलब्ध करवाए जाएंगे। मशीन को 5 साल बाद या 10 साल के बाद भी किसी किसान को फेंकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सालों साल मशीन चलने वाली है जो बुलंद किसान बाहुबली किसान के घर पे जाके। यानी कि किसानों के साथ कंपनी तब तक खड़ी है जब तक मशीन जिंदा है, जब तक मशीन चलेगी लाइफ लॉन्ग तब तक कंपनी खड़ी है किसान के साथ।